72 घंटे की भयंकर जंग, बाखमुत में रूस का झंडा बुलंद। वैगनार की खूनी सनक मैदान छोड़ भागे यूक्रेनी सैनिक। ऑपरेशन ब्लड से बाखमुत दहला, पूरे यूक्रेन में जलजला। और इस बारूदी जलजले की वजह है पुतिन का प्रतिशोध, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बाखमुत सिर्फ एक ट्रेलर है, तबाही की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। खास बात यह है कि रूस ने बाखमुत पर कब्जा ऐसे वक्त में किया है जब जेलेंस्की G7 में हिस्सा ले रहे हैं। उधर जेलेंस्की G7 देशों को युद्ध से बर्बाद यूक्रेन की कहानी बता रहे हैं, दूसरी तरफ रूस ने बाखमुत पर कब्जा करके बता दिया कि वो रुकने वाला नहीं है। यानी रूस का सीधा चैलेंज है कि G7 देश चाहे पूरी ताकत लगा दें, रूस जब तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेता तब तक वो रुकेगा नहीं। यूक्रेन के लिए ये बड़ा झटका है क्योंकि G7 देशों को रूस के खिलाफ भड़काने का काम वो कर रहे थे, तभी रूस ने बाखमुत में ऑपरेशन ब्लड पूरा कर लिया। और ये वही तबाही की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि यूक्रेन का अंजाम भी क्या होने जा रहा है। बाखमुत में बर्बादी कितनी खौफनाक है उसके वीडियो आपको दिखाते हैं, जो बता रहे हैं कि बाखमुत पर कब्जे के लिए रूस किस हद तक चला गया था। क्योंकि 6 महीने तक चली जंग के बाद रूस ने कब्जा किया था, लेकिन पिछले 3 महीने से यूक्रेन लगातार हावी हो रहा था। ऐसे में रूस के लिए करो या मरो वाली स्थिति थी। लेकिन रूस की फोर्स ने चेचन लड़ाकों और वैगनर लड़ाकों की मदद से बाखमुत को यूक्रेन के हाथों में जाने से बचा लिया। अब बाखमुत पर रूस का कब्जा हो चुका है। बीती रात दक्षिण पश्चिम बाखमुत में रूस ने फास्फोरस बम बरसाए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हो। इस बम की वजह से काफी तबाही हुई। जिन इलाकों पर वैगनर लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे थे, वहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया, जिन्हें रूस ने होवित्ज़र से उड़ा दिया। बाखमुत में रूस ने इतने हमले किए हैं कि बाखमुत पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इमारतों में आग लग गई है, कहीं से धुआं निकल रहा है, सड़कें पुल सब तबाह हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेनी सैनिक भाग भी नहीं पा रहे, उन्हें वैगनर के लड़ाके चुन चुन कर मार रहे हैं। बाखमुत के हर 1 मीटर के लिए भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने 3 दिन पहले तक हालात ऐसे कर दिए थे जिससे रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन अब रूस ने पिछले 72 घंटे में इतने ज्यादा हमले किए कि बाजी पलट गई। बाखमुत में 3 महीनों से बना यूक्रेन का मिलिट्री सेंटर तक उड़ा दिया गया। जिस वैगनर को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसी वैगनर ने बाखमुत में यूक्रेन का गेम पलट दिया। अगर बाखमुत दोबारा रूस के कब्जे में है तो वैगनर की वजह से ऐसा हुआ है। हथियार नहीं मिलने के बाद तक वैगनर लड़ाके डटे रहे, फिर जैसे ही वेपन मिले फिर वो यूक्रेनी सैनिकों पर टूट पड़े। यानी वैगनर लड़ाकों को चेचन लड़ाकों का साथ मिला और क्रेमलिन को भी प्रिगोजिन पर भरोसा करना पड़ा। जबकि प्रिगोजिन ने एक वक्त में क्रेमलिन के खिलाफ विरोधी तेवर अख्तियार कर लिए थे, लेकिन वो सिर्फ हथियार वक्त पर नहीं मिलने की वजह से थे। वैसे भी वैगनर चीफ प्रिगोजिन पुतिन के सबसे वफादार साथियों में से एक है। जब जब संकट आया है प्रिगोजिन उस वक्त पुतिन के साथ दिखे हैं। बाखमुत पर कब्जा करके प्रिगोजिन ने एक बार फिर से अपनी वफादारी साबित की है। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने बाखमुत पर कब्जा कर लिया है। हालांकि ये तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि अभी भी बाखमुत में यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं जो बच निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं।
जो अवदीपका के रास्ते निकल जाना चाहते हैं। बाखमुत से अवदीपका 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन रूस ने अपने सैनिक उसी रास्ते पर लगा दिए हैं और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। यानी रूस चाहता है कि जो यूक्रेनी सैनिक बाखमुत में कब्जे का मंसूबा लेकर आए थे, उन सैनिकों की कब्र बाखमुत में ही खुद जाए। और ऐसा हो भी रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। अवदीपका में रूस की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, जो यूक्रेन सैनिकों के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। यानी यूक्रेन को ये समझ आ चुका है कि फिलहाल बाखमुत में उसके लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि रूस पूरी तरह से हावी हो चुका है। और बाखमुत की बर्बादी की ये तस्वीरें उस कहर को बता रही है। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है, बारूदी बवंडर में शहर का काम तमाम हो चुका है। कई इलाकों में 72 घंटे तक आमने सामने की जंग होती रही, जिसके बाद यूक्रेनी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ज़ेलेंस्की हिरोशिमा में G7 में है। उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि अगर पुतिन चाहे तो यूक्रेन पर हिरोशिमा जैसा अटैक कर सकते हैं। शायद इसीलिए बाखमुत से यूक्रेनी सेना पीछे हट गई, क्योंकि पुतिन क्रेमलिन अटैक के बाद से तमतमाए हुए हैं। उसके बाद से वो उन तमाम इलाकों में काफी एग्रेसिव हो चुके हैं जहां यूक्रेनी सैनिक बढ़त बना रहे थे। लेकिन अब रूस ने काउंटर अटैक करके अपने इरादे जता दिए हैं, जिसमें सबसे पहले बाखमुत को क्लियर कराया गया है, जिसके लिए रूस ने 72 घंटे तक भीषण जंग लड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।